देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ फरजाना। दिल्ली के सिरिफोर्ड ऑडिटोरियम की सोमवार की शाम कुमार सानू के नाम पे पूरा सिरिफोर्ड ऑडिटोरियम कुमार सानू के 2019 के अवार्ड से गुजरा। यह अवार्ड विद्या निकेतन संस्था की ओर से कुमार सानू के लिए आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में फिल्मी सितारे और सिंगर ने शामिल होकर चार चांद लगा दिया। और इस कार्यक्रम में फिल्मी सितारों और सिंगरों ने शामिल होकर चार चांद लगा दिया। साथ ही कुमार सानू इस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की रौनक ही बढ़ाई। देखिए किस तरह से ये कार्यक्रम कुमार सानू की आवाज से गुजरा। जिसमें कुमार सानू विद्या निकेतन संस्था के चेयरमैन हैं, आरके सरकार, आरएस शर्मा, सत्याभूषण जैन, वीपी टंडन, गुलशन, बीएन निगम, सुप्रिया देव समेत पूरी टीम मौजूद थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भले ही पूरी टीम मौजूद रही, लेकिन चार चांद तो कुमार सानू ने ही लगाया। इस कार्यक्रम की शाम फिल्मी सितारों और सिंगरों से गूंजी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर चार चांद लगा दिए। कुमार सानू को कौन नहीं जानता, जो अपने आप में फेमस ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर है, जिनसे हमारे संवाददाता प्रीति ने इस कार्यक्रम के बारे में बातचीत की। सुनिए। मिलते कुमार सानू जी से और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, ये जैसे कि ये जो प्रोग्राम आज सेकंड अवार्ड हुआ है, उससे पहले भी आप फर्स्ट अवार्ड कर चुके हैं, तो ये जो छोटे बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, सब उसके बारे में थोड़ा सा दो बातें। बस ये जो अवार्ड फंक्शन, ये तो एक बहाना है जी। एक्चुअली क्या है कि छोटे बच्चे का स्कूल, रोड साइड चिल्ड्रन का जो स्कूल मैं चलाता हूँ यहाँ पे, गरीब बच्चे का, अंडर प्रिविलेज, तो उनके लिए मैं हर साल, हमारे जो ट्रस्टी है, हमारा जो स्कूल है जी, वो एक कुमार सानू अवार्ड का निर्माण किया और वो आगा, मतलब वो शुरू हुआ लास्ट ईयर से। तो ये तो एक बहाना है अवार्ड, मेन चीज़ है कि जितना भी सहायता आए, जितना भी हमें राशि मिले, वो हमारे बच्चे के काम में जाता है डायरेक्ट। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर साल ये अवार्ड फंक्शन हो और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। हर साल आते हैं, इस बार भी बहुत सारे लोग आए और बहुत सारा पार्टिसिपेट किए बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सुपर सक्सेस शो हुआ मेरा। आई एम सो हैप्पी एंड रीज़न आपको पता चल गया कि ये छोटे बच्चे लोगों के लिए है। सर, मैं जानना चाहूँगी पिछले साल से लेके और इस साल में कुछ बदलाव आपको लगा? पिछले साल से इस साल मेरा शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे में हुआ, जो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। और सर, मैं थोड़ा सा जो नई जनरेशन है जो इन सब चीज़ों को नहीं देखते, बस उसके बारे में थोड़ा सा आप दो नई जनरेशन के बारे में आप बताएंगे। नई जनरेशन का क्या जानना चाहते हैं? उनको भी इस चीज़ों में हेल्प करनी चाहिए, छोटे जैसे कि जो चैरिटी करते हैं। देखिए, चैरिटी बिगन्स एट होम बोलता है ना, तो घर से ही चैरिटी का काम शुरू होता है। ये अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो नए अपकमिंग सिंगर हो या कोई भी कलाकार हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, हर एक का एक सोशल लाइबिलिटीज होता है, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। तो मैं करता तो हूँ, अब कोई करे ना करे मैं तो करूँगा ही। तो मैं सबको, मेरा सलाह दूँगा ये कि आप लोग भी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करिए, देखना आपका बहुत भला होगा और ये ऊपर वाले देखता है। सो आई थिंक क्या आपको गरीबों की मदद करना चाहिए, तो आप आगे आइए, थोड़ा बहुत हाथ बटाइए, देखना आपको बहुत भला होगा। बहुत लाइफ में जो सक्सेस आपको नहीं मिलता है, वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चों का जो दुआ, ये बहुत बड़ा दुआ होता है, ये आपको दुआ देते रहेंगे और आपका, आप कामयाब होंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।